डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज फॉर एन इंटीजर n, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 अप टू 1, देन वी हैव टू फाइंड 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर। ओके, तो देखिए n फैक्टोरियल की वैल्यू ये हम जानते हैं, ये होता है n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 अप टू 1। तो यानी कि n से छोटे सभी जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उन सबका प्रोडक्ट ये वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल की। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल, इसको अगर हम डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर को हम सपोज कर लेते हैं x। ठीक, तो देखिए 5 फैक्टोरियल को पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी यूजिंग दिस डेफिनेशन। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 5 का एक फैक्टर है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक, सिमिलरली अगर 6 फैक्टोरियल देखेंगे तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें भी आप देखिए 5 एक फैक्टर है, तो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे अप टू 100 फैक्टोरियल, इन सब में एक 5 फैक्टर होगा, तो उस हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इन सबका हमें सम गिवन है, तो इन सबका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अप टू 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक, अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल, इसका हमें रिमाइंडर कंप्यूट करना है। तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को, सो दिस इज 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो दिस इज 1 प्लस 2 1 जट 2 प्लस 3 2 जट 6 प्लस 4 3 जट 12 12 2 जट 24। ओके, ऐड करेंगे 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 3 33, तो यानी फर्स्ट जो 4 नंबर है उनका सम आ गया 33। ठीक, अब इनको डिवाइड कर देते हैं 5 से तो देखेंगे क्या रिमाइंडर आएगा। सो जब 33 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू आ जाएगा 3, बिकॉज 5 6 जो 30, रिमाइंडर बचेगा 3। और फॉर 4 फैक्टोरियल के बाद ये जो वैल्यूज हैं 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक, उन सभी में रिमाइंडर क्या है, हमने ऊपर देखा था, दैट इज 0। ओके, सो देयरफॉर द टोटल रिमाइंडर इज 3 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 3। यानी जब इस पूरे डिजिट नंबर को अगर हम x को डिवाइड करेंगे 5 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।